नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। भारत इस वक्त कोरोना वायरस की भयानक लहर का सामना कर रहा है। हर गुजरते दिन के साथ देश में कोरोना के नए मामलों का रिकॉर्ड टूट रहा है। बीते 24 घंटों में भी भारत में एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के केस सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 3,79,257 नए मरीज सामने आए हैं। इस दौरान 3,645 मरीजों की वायरस की वजह से मौत भी हुई है। कोरोना मामलों और कोरोना से होने वाली मौतों का ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश में संक्रमण के मामलों की कुल तादाद 1,83,76,524 पहुंच गई है, जबकि अब तक 2,04,832 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। मंत्रालय के मुताबिक ये लगातार 8वां दिन है जब 3 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 1 लाख से ज़्यादा लोग महामारी को हराने में कामयाब रहे हैं। अब तक कुल 1,50,86,000 से ज़्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। नए मामलों में तेजी के साथ देश में एक्टिव केसों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। देश में कुल एक्टिव केस 30,84,814 पहुंच गए हैं। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.12% है, जबकि रिकवरी रेट 82% के करीब है। एक्टिव केस बढ़कर 16% से पार हो गए हैं। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। महाराष्ट्र में प्रतिदिन 60,000 से ज़्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में बुधवार को 63,309 नए मरीज सामने आए। इस दौरान रिकॉर्ड 985 लोगों की मौत भी हुई है। नए मामलों के साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या 44 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं मौत का आंकड़ा भी 67,000 को पार कर गया है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार तेज होती जा रही है। दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस के 25,000 से ज़्यादा नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि संक्रमण के कारण 368 मरीजों की मौत हो गई। राजधानी में कुल मामले 10,53,701 हो गए हैं, जबकि मृतकों की संख्या 14,000 को पार कर गई है। दिल्ली में संक्रमण दर 31% से ज़्यादा है। दूसरी तरफ देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेजी से जारी है। 28 अप्रैल तक देश भर में 15,20,648 कोरोना डोज दिए जा चुके हैं। बीते एक दिन में 21,93,000 से ज़्यादा टीके लगे। वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अभियान 13 फरवरी से शुरू हुआ था। 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगाया जा रहा है। अब 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को भी टीका लगाया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।